हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप देख सकते हैं हम साइट पे हैं। इस टाइम कॉम्पेक्शन टेस्ट हो रहा है साइट पे, और आपको हम दिखाते हैं कॉम्पेक्शन टेस्ट कैसे किया जाता है। पीछे सब इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। बने रहिए मेरे चैनल पे और पूरा वीडियो देखिएगा, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पीछे देखिए टेस्ट हो रहा है और कैलकुलेशन वगैरह हो रहा है, आपको हम दिखाएंगे पूरा, और एक एक प्रोसेस बताएँ कैसे किया जाता है कॉम्पेक्शन टेस्ट। कोर कटर मेथड है ये, और पूरा देखिएगा। ये रेलवे का प्रोजेक्ट है, रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है इस टाइम। SK2 फिलिंग है इसके पास, दूसरा लेयर डालेंगे, फिर ब्लैंकेटिंग का काम होगा, फिर ब्लास्ट डाल करके स्लीपर डालने के बाद रेल का वर्क होगा। ये देख सकते हैं पीछे ड्राइवर लोग हैं, बहुत रहे हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बने रहिएगा चैनल में। दोस्तों, कोर कटर मेथड में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए, और इन्हीं इंस्ट्रूमेंटों की सहायता से हम ये मेथड को पूरा करते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले हम कोर को अच्छे तरीके से बेड पे कॉम्पैक्ट करते हैं एक रैमर की सहायता से, और जो ये रैमर होता है दोस्तों, उसे वर्टिकली मारा जाता है ताकि अच्छे तरीके से कॉम्पैक्शन कंप्लीट हो। और इस पे लगा हुआ जो ढक्कन होता है उसे अच्छे तरीके से बाहर ही छोड़ा जाता है ताकि आसानी से हम बाहर निकाल लें। और बता दें हम आपको कि ये जो कोर जब अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाता है तो इसे किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद हम इसका वेट लेते हैं विथ सॉइल, और फिर उसके बाद एम्प्टी वेट लेते हैं, सॉइल को निकाल करके उसका एम्प्टी वेट लेते हैं। और बता दें दोस्तों कि जो इसमें हम कोर यूज करते हैं उसका डाया होता है 100 mm, और उसकी हाइट होती है 130 mm। और ये इसमें यूज होने वाले सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम आपको बता दें। ये बॉक्स में जो रखा हुआ है, इसमें रखा हुआ है रैपिड मॉइस्चर मीटर, और रैपिड मॉइस्चर मीटर के अंदर हम समथिंग 6 ग्राम सॉइल का यूज करते हैं, और उसमें 1 चम्मच कैल्शियम कार्बाइड डाला जाता है और अच्छे तरीके से सेक किया जाता है। फिर उसके बाद जो रीडिंग आता है मॉइस्चर कंटेंट, उसे नोट कर लेते हैं। चलिए हम पूरी प्रोसेस को अच्छे तरीके से करके दिखाते हैं। पहले तो दोस्तों कोर के टॉप और बॉटम दोनों में अच्छे तरीके से ट्रिम कर देते हैं, सॉइल को अच्छे तरीके से साफ करके, फिर उसके बाद उसका हम वेट कैलकुलेट करते हैं। बैलेंस पे रख करके वेट देखा जाता है। अभी देखिए हम इसका वेट लेते हैं, 80। इसका वेट समथिंग कुछ 2.997 ऐसे कुछ आता है दोस्तों, समथिंग। अभी देखते हैं रीडिंग कितना आता है। दोस्तों 2900 कुछ ऐसा रीडिंग आया है, 2900 समथिंग रीडिंग आया है, शायद 2999 रीडिंग आया है। और फिर उसके बाद दोस्तों इसे अच्छे तरीके से सॉइल को निकाल करके इसका एम्प्टी वेट लेते हैं। इसमें बता दिया जाए दोस्तों कि ये फर्स्ट लेयर अभी पड़ा है बेड पे SK2, जिसका मोरम है, मोरम सॉइल का टेस्ट हो रहा है सब ग्रेड। कॉम्पैक्शन टेस्ट होने के कंप्लीट होने के बाद दूसरा लेयर पड़ेगा, फिर उसके बाद ब्लैंकेटिंग का काम होता है दोस्तों। ये बॉल को भी देखिए 6 ग्राम हम अभी वेट कर रहे हैं। 6 ग्राम वेट हो जाएगा तो हम रैपिड मॉइस्चर मीटर के अंदर डाल देंगे। अभी जो कैल्शियम कार्बाइड पहले का इसमें डाला हुआ था उसको निकाल के देखिए, इसमें 3 बॉल होता है, छोटा छोटा बॉल होगा, उसको भी उसके साथ डाल दिया जाता है। देख लीजिए, और ये बॉल डाल दिए हैं। फिर उसके बाद दोस्तों 1 चम्मच कैल्शियम कार्बाइड डाल के इसे बंद करके अच्छे तरीके से सेक किया जाता है ताकि हम रीडिंग नोट कर सकें। मॉइस्चर कंटेंट जितना रीडिंग आएगा उसे हम नोट करेंगे। देखिए अभी इसे अच्छे तरीके से सेक किया जाएगा, और इसका रीडिंग जो आता है एम्प्टी वेट और विथ सॉइल वेट, उसका सब रीडिंग नोट कर लिया गया है। और हम दोस्तों आपको पूरा मेजरमेंट पूरा अच्छे तरीके से कैलकुलेशन भी बताएंगे। अभी देख लीजिए सेक करने पे जो रीडिंग आता है उसे नोट किया जाएगा। ये रीडिंग आया है समथिंग 9.9 ऐसे कुछ आया, 9% मॉइस्चर कंटेंट। देख लीजिए दोस्तों 9% ऐसे समथिंग मॉइस्चर कंटेंट आया है। चलिए हम आपको बताते हैं मेजरमेंट। चलिए दोस्तों हम आपको कैलकुलेशन करके बताते हैं। दोस्तों ये रहा कोर का वैल्यूम,
ठीक है, जो कोर हम आपको दिखाए थे। और ये है दोस्तों कोर का एम्प्टी वेट, यानी विदाउट सॉइल कोर का वेट है ये। और ये है कोर प्लस सॉइल का वेट, ठीक है। दोस्तों हम क्या करते हैं, कोर प्लस सॉइल का वेट माइनस एम्प्टी वेट, यानी बस कोर का वेट माइनस करने पे जो आता है वो सॉइल हमको मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग दोस्तों बल्क डेंसिटी निकालते हैं। बल्क डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सॉइल का वेट अपन कोर का वैल्यूम कर देते हैं, तो 2.1 समथिंग ऐसा कुछ आता है, ठीक है, रीडिंग आ जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बल्क डेंसिटी आया है और ये मॉइस्चर कंटेंट में जो रीडिंग हम देखे थे 9% 10% जो भी आता है दोस्तों, उसको यहाँ पे रखते हैं मॉइस्चर कंटेंट। यहाँ पे मैंने W से इंडिकेट किया है मॉइस्चर कंटेंट को, और ये हमारा बल्क डेंसिटी है दोस्तों। तो ये करने के बाद जो मिलता है ये हमारा ड्राई डेंसिटी। और दोस्तों जो लैब में हमारा MDD आया है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, उससे ये कंपेयर किया जाएगा, तो हमको मालूम चलेगा कि जो पहले ड्राई डेंसिटी था लैब के रिपोर्ट से इसको कंपेयर किया जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, लैब के कॉम्पेक्शन से इसके कॉम्पेक्शन से डिवाइड करने के बाद हमको रिपोर्ट मालूम चलेगा कि हैवी कॉम्पेक्शन है कि नहीं, ये फेल है या पास है, जो भी है। लैब का रिपोर्ट इस समय दोस्तों हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं। और बाकी ये रहा सारा कैलकुलेशन। दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद।